नानुभव मत भक्त सब समय भगवान कहते थे हमारा विषय चिंतन करो मन मना मत भक्त हमारा भक्त बन जा। भगवान कहते हमारा भक्त हो जा और दूसरे का नहीं। ये समझना चाहिए। अगर कोई बोलता है जो हम और चीज का भक्त है इसमें काम नहीं चलेगा, नहीं, भगवान कहते मन मना भवो मद भक्त हमारा भक्त। ऐसे तो सब कोई किसी न किसी का चीज का भक्त होता है। कोई अपना घर गृहस्थ का भक्त होता है, कोई देश का भक्त होता है, कोई समाज का भक्त होता है, कोई शराब का भक्त होता है, ऐसा भक्त तो होता ही। किसी का चीज का भक्त हो ही गया, उन्हें बिना भक्त हुए जी नहीं सकता, क्योंकि उनका असल काम है भक्त होना। बाकी भगवान को भूल करके और सब जितने चीज है आदमी में कुत्ता का भी भक्त हो जाता है, भक्तों को होना ही। बाकी भगवान के भक्त होने को नहीं चाहते और सब चीज का भक्त होना चाहते। यही उनका रोग है, यही दिमाग। इसलिए भगवान कहते हैं और जो सब भक्त होते हैं ये सब माया, देवी जी साधुनमयी मोह माया दुर्ग। तो माया उनको सुला देता है। अच्छी भगवान के क्यों भक्त हो गए, हमारा भक्त हो जाओ और सब देवता का भक्त हो जाओ। कांखंतम कर्मणां सिद्धि जजंती किय देवता, और हम लोग सब फंस जाते हैं कर्मणां सिद्धि और दूसरे दूसरे देवता का पास जाने से बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है। वो क्या चीज का सिद्धि होती है, भौतिक वस्तु। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि अगर तुम ये चीज चाहते हो तो इस देवता को तुमको मिल जाए, ऐसे शास्त्र में मिली है, मिल भी जाता है। तो कांखन तम कर्मणां सिद्धि जगत यह देवता, ये जो सब देवता है ये भौतिक जगत का देवता। भगवान जो है वो भौतिक जगत का नहीं। जैसा शंकराचार्य बताया नारायण पर अप्रत्यात अन्न संभव, नारायण जो है अपत्त जो महत्त्व है उनसे परे है। तो ये सब जानते हैं, मोहित अंगनारी जाना, उसी मोहित होकर रहना चाहते, आगे बढ़ने को नहीं चाहते। अभी भगवान का काम है, भगवान बताते हैं जदा जदा ही धर्म सकलानी भवती। जब आदमी धर्म को छोड़ देता है, धर्म का अर्थ होता है भगवत भक्त। भगवान आखिरी में यही बताने सर्वधर्म आर्थित माम एकम सर्व हो ही धर्म। ये जो भगवान बताते माम ही वजह प्रबद्ध, यही असल धर्म है। और सब तात्कालिक भौतिक धर्म। अब देखे समझ लीजिए, अब ये शरीर है, जब तक ये शरीर है हम लोग कहते हैं हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम क्रिश्चन है, मैं ये धर्म को पालता हूं। जहां शरीर छोड़ दिया हमने तो फिर हम समझ जाओ कुछ हो गया, ऐसी कुछ गारंटी नहीं है। जब हमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, अपना कर्म का अनुसार हमको शरीर मिलेगा, तो आज मैं हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कल अगर कर्म का अनुसार हमको और कहीं जन्म मिल गया, पशु का जन्म हो गया, तो फिर हमारा तो सब धर्म हो गया खत्म, शरीर का साथ साथ सब खत्म हो गया। इसलिए असल जो धर्म है भगवान का चरण में प्रपत्ति, जो ऐसा भगवान बताते हैं मामेव जब प्रपत्ति बनते उनको, बस वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इस जन्म में भक्ति का विषय में जितना साधन किया, अभी पूरा साधन कर लिया, तो फिर तो हमको भगवान के पास चले जाना है। तब का भी हम पुनर्जन्म नहीं थी मामी थी, भगवान के पास चले जाते हैं। अगर पूरा साधन नहीं हुआ, कुछ बाकी रहेगा, तो सुजनान सुनतान की ही योग भ्रष्ट संजाय, जो भक्ति योग को उससे भ्रष्ट हो जाता है उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है,
अगर भक्ति योग शुरू किया और आगे जाकर के संपूर्ण नहीं कर सका किसी कारण से, फिर माया का हाथ में गिर गया। ऐसा हो सकता है क्योंकि माया बहुत जबरदस्त है, सब समय हमको पराजय कर देता है, तो हमको भी जबरदस्त होना चाहिए। वो जबरदस्त किस तरह से होंगे? माँ में वाला प्रबंधन से माया में दान करें। यदि हम लोग भगवान को चरण अच्छी तरह से पकड़ के बैठते रहेंगे, फिर माया कुछ नहीं कर सकती। यही उपाय, इस प्रकार सरल जब उपाय है मुक्त होने का, जो भगवान माँ में जब माया से उत्तीर्ण होने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग संन्यास लेते हैं, घर दो छोड़ देते हैं, बड़ा कठिन तपस्या करते हैं, कोई हिमालय में जाते हैं, कोई जंगल में जाते हैं, नहीं यानी क्या क्या कर, क्यों? माया से छुटकर ब्रह्म ज्ञान लाभ करने की। और इधर भगवान बताते हैं मामी पर जब प्रबंधन थी माया में दान करेंगे, केवल हमारा चरण में कोई शरणागत हो जाए तो उसी वक्त वो माया से उत्तीर्ण होगी, उसी वक्त, देर नहीं लगती, एक सेकेंड। बहुत से आदमी हमको पूछता है जो ये भगवत भक्ति लाभ करने के लिए कितना दिन लगे, उन्हें एक सेकेंड भी नहीं लगता। क्यों? असल काम का है प्रपत्ति। यदि कोई भगवान के सामने आकर के कह दे कि भगवान इतना दिन तो मैं माया का दास बना था, और माया का दास माने अपना इंद्रिय का दास, कामादिनां प्रतिधाना पालिता दुर्निदेश, इंद्रिय जो है हमारा अनेक विषय जो काम नहीं करना चाहिए, हिंदी बोलता अजी करो, इसलिए मैं तो इतना दिन इंद्रिय का दास था, कामादिना काम क्रोध लोग ये सब चीज का दास, बाकी वो दास होकर के हमको कुछ सुख नहीं मिला। न तो जिसका दासत्व किया वो भी सुखी नहीं हुआ। देखिए दुनिया का यही है नियम, आप लोग विचार करके देखिए। देखिए गांधी जी कितना बड़ा महात्मा, गांधी जी कितना देश की सेवा की, देश की दासत्व की, ताकि आखिरी में वो देश का आदमी उनको मार। अब देखिए गांधी जी का ऐसे व्यक्ति उनसे बढ़कर के कौन सेवा करे? तो हम लोग का बात तो छोड़ी दी, ये दुनिया के जितना ही सेवा कीजिए वो कभी सुखी नहीं हो। कभी नहीं बोलेगा देखो जी तुम बहुत काम किया, बहुत सेवा किया, अब तो घर में बैठ जाओ और सेवा ना। अपनी पत्नी को पूछिए बुढ़ापे में कि देखो जी अब तो बहुत हमने तुम लोग को सुखी करने के लिए प्रयत्न किया, अब जो कुछ हो गया हम जाएंगे थोड़ा वृंदावन में, उधर ही रहे सब विजय जाएंगे। अरे वृंदावन आप कैसे जाए? ये काम बाकी रहेगी, ये काम बाकी रहेगी, ये काम बाकी रहेगी, जब बाकी ही रहे। इसलिए प्रपत्ति जो यदि कोई ये बात को समझ जाए तो हम तो काम क्रोध के लिए दुनिया के सब के सेवा की, परंतु कोई सुखी नहीं हुआ, न तो वो लोग सुखी हुआ न तो माए सुखी। इसलिए भगवान आपके पास आए हैं, आज से आपका दास मिलेगा। मैं तो आपको दास सही है भूल गया, बस इतना ही काम अगर हो गया तो मुक्त हो, उसी बात मुक्त हो। अगर वो अपने दिल से सच्चाई से बोलता है कि भगवान आज से मैं आपका दास हूं, आपको दास मैं सही है चिरंतन, बाकी भूल करके दूसरे का दास हो गया, इसका नाम है मामी मजब प्रबंधन से माया में दान कर, तेरी मौत किसी समय यदि हम लोग एक दम भगवान का चरण में अपना सिर झुका करके इतना ही कह दें कि भगवान इतना दिन तो दूसरे को खूब दास बन के रहा, उसके न जिसका दास बना था वो भी सुखी हुआ और मैं जो दास हुआ था मैं भी नहीं,
कि अब हमारा बुद्धि खुल गई है, जब हमको दासत्व ही करना है तो आपको दासत्व करना, आप हमको ग्रहण। वैसे इतना बोलने से वो मुक्त हो।